ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज अभी मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, मोबाइल में उसका जैक खराब है। जैक में उसमें क्या हुआ कि जो चार्जिंग सॉकेट है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है। कई वीडियो आपने देखे होंगे रिपेयरिंग कैसे होता है, जैक निकालना लगाना बहुत कठिन नहीं है, आसान है। अभी हम भी दिखाएं आपको, आपको देखिए। अगर कोई भी इसमें दिक्कत लगती है तो आप मुझे बताइए कि ऐसी प्रॉब्लम थी, आपने क्या कमी छोड़े नहीं छोड़े। वैसे तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि सही दिखनी चाहिए। हमारे जो सर हैं लैपटॉप के सर, जो मोबाइल रिपेयरिंग भी करते हैं, लैपटॉप भी रिपेयरिंग कराते हैं, इन्होंने रिपेयर कर रहे हैं। और आपको भी अगर सीखना हो तो सीख सकते हैं। चलिए कैसे रिपेयरिंग कर रहे हैं वो दिखाते हैं। फ्रेंड, आज हम एक स्मार्टफोन आया जिसका चार्जिंग फॉल्ट है, उसको हम रिपेयर करेंगे। इसको चार्जर लगाने पर चार्ज नहीं हो रहा है। वैसे देखने से पिन इसका डैमेज है, जो सीसी है चार्जिंग जैक उसको हम चेंज करके देखेंगे ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। जैक लग गया है, इसको हम चेक कर लेंगे मीटर से। मीटर को डीसी रेंज में 20 वोल्ट पे रख के सप्लाई ओके है। जलेंगी लाइट, सारी जलेंगी। फोन में लगाएंगे, प्लस नंबर की तरफ से आ रहा है, तो प्लस 90 वाली तरफ से आ रहा है। लगा के चेक करेंगे। चार्जिंग ओके हो गया। ठीक है, अब इसका ऑन करने वाला पत्तक खराब हुआ है, इसमें है नहीं, जिसको ऑन करके चेक कर लेंगे। पहले पावर ऑन का सप्लाई देखेंगे, उसको शॉर्ट करके हम चेक कर लेंगे कहाँ पे सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है प्लस, ग्राउंड से शॉर्ट करके ऑन करके देख लेंगे। ऑन हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो सर ने रिपेयर किए जैक सॉकेट चेंज करी, उसमें थोड़ी सी ऐसी लगी कि मैं रिकॉर्डिंग सही से नहीं कर पाया। तो आगे से मैं ऐसा क्लियर दिखाऊंगा, अभी मैं फिलहाल मेरी छोटी सी कमी लगी उसमें सही से रिकॉर्डिंग नहीं होती। और अगर इसी तरह से सीखना हो तो मेरे पास सीखने के लिए आइए, चाहे वो लिथियम बैटरी हो, जैसे सारे लिथियम बैटरी असेंबल कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो ये रिपेयरिंग भी हम सिखाते हैं। और एलईडी टीवी हो, इन्वर्टर हो, या फिर ई रिक्शा मोटर कंट्रोलर चार्जर हो, ये सभी सिखाते हैं। आप कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे अभी रिपेयरिंग हो रहा है, मैं इसका रिपेयरिंग भी दिखाता हूँ। क्या क्या फॉल्ट है सर जी इसमें? वोल्टेज नहीं है। फिर जो हाउ मच वोल्टेज, कुछ तो होगा ना? पॉइंट समथिंग मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं है, जीरो वोल्टेज है। और जबकि ये कितने वोल्टेज, कितने टोटल वोल्टेज कितना है इधर दिखाओ? टोटल वोल्टेज लिखा हुआ नहीं है, और लिखा होगा तो मिट गया होगा। अभी टोटल वोल्टेज क्या है इसको खोलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो इसमें कागज लगे हुए हैं ना ये सब उखड़ गया, पता नहीं चल रहा है। तो मैं खोल कर देखता हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर रिपेयरिंग आपको सीखना है तो आप आइए, पूरी तरह से लिथियम बैटरी आप असेंबल कर सकते हैं।
एक दिन में 10 असेंबल होता है, 10 बैटरी एक दिन में, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने नहीं आइडिया लिए तो एक में ही आपने सारा काम बिगाड़ लेंगे, ठीक है। इसलिए सीखने के लिए आइए, हम पूरी तरह सिखाते हैं। भैया भी सीखने के लिए आए, वो सीख कर रहे हैं, कम काम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। इसमें रिपेयरिंग बाहर से आया, रिपेयरिंग करके ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 32 एम्पियर लिखा हुआ है और 15.6 ऐसा लिखा हुआ, मतलब 15 इसका सेल होगा, तो ये 48 वोल्ट का है, फिर 48 वोल्ट का हो सकता है। तो मैं और भी खोलूंगा, उसके बाद देख लूंगा क्या है नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।